बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव लेना, तो सबसे पहले आप इसे वाई सपोज कर लें। वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट। और पहले आप ध्यान में रखिएगा कि यहां एक्स के ऊपर अंडर रूट है और वहां किसके ऊपर है, वो सारे के ऊपर साइन एक्स के। अब यहाँ बेसिकली फॉर्मूला जो लगना है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगने हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ, क्योंकि अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव अगर आपने साइन एक्स का लेना हो तो वो होगा कॉस एक्स, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे आप। ये फॉर्मूला साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। अब एंगल चूंकि एक्स ही है, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन। लिहाजा ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू वन, और ये बन जाएगा कॉस एक्स। अब इसको फॉर्मूले के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। मैंने यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव लेके आपको इसलिए बताया है ताकि आपको अजबर हो जाए कि अगर एक्स के अलावा कुछ हो तो फिर उसका डेरिवेटिव देना साथ हो। सिर्फ एक्स अगर हुआ है साइन एक्स, तो उसका उसका तो आप सिर्फ लिखें कॉस एक्स, कॉस एक्स लिखें ना। एक्स का डेरिवेटिव वन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो होता है। लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ एंगल हुआ तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। एक चीज और होगी, अब जरा इसका डेरिवेटिव लें, वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी आपको डेरिवेटिव लेना होगा, वो आएगा साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है जी। पूरे का डेरिवेटिव इधर उधर पूरा सिर्फ वाई है। अब ये आप जब लास्ट में पढ़ा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये वाई एक लगा से पढ़ा था, ये एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे लगा पढ़ा हुआ, इम्प्लिसिटली नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। लिहाजा ये डी वाई पर डी एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा। अब पहले भी डिस्कस हुआ है कि दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव लें तो वो कैसे लेंगे, उनके डेरिवेटिव का सम करेंगे। यानी ये बन जाएगा आपके पास डी ओवर डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अंडर रूट। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखा हुआ आपके पास। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और बात यहां खत्म नहीं होगी। कॉस अंडर रूट एक्स, और यहां बात खत्म नहीं होगी। क्यों, एंगल एक्स नहीं है, अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, उस अंडर रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेना, ठीक है। यहां आप मुझे बता सकते हैं कौन सा रूल लगेगा। नहीं, कॉस एक्स नहीं आएगा, यहां आपने गलती कर दी, यहां आपने गलती कर दी, कॉस एक्स अभी नहीं आएगा। बेसिकली ये है साइन एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है। अब इसके लिए आप याद करें एक्सटेंडेड पावर रूल, कि जब आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसकी पावर एन है तो पावर नीचे उतर आती है और फिर उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। यहां ये लगना है, ये फंक्शन है एक्स नहीं है और इसकी पावर है, वो जो कॉस एक्स की बारी तो भी बाद में आएगी, अभी तो पहले उसकी पावर ने उतारेंगे हम, पावर फ्री करेंगे उसको। देखो याद करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये नहीं, उसके ऊपर पावर पड़ी हुई है। तो चलते हैं, अब आपको ये तो आ गया कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना है। बेसिकली ये क्या है, एक्स की पावर वन बाई टू है। वहां क्या करेंगे, वहां ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये पहले वन बाई टू नीचे उतर आया, फिर साइन एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव। ये बात समझ आई बोला। अब फंक्शन है साइन एक्स, एग्जैक्ट मैंने ये किया है, इसको समझेंगे साइन एक्स है और इसकी पावर वन बाई टू है, वन बाई टू नीचे उतरी
साइन एक्स की पावर 1/2 -1 हुई, फिर आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब वो देखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव जो आपने पहले बात कही थी वो होगी जी। यहां बताएं क्या होगा, कॉस अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर कितनी है, तो पहले सबसे 1/2 नीचे उतरेगा, उसके बाद क्या होगा एक्स की पावर 1/2 -1 आएगा, और आगे एक्स का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं, ये पावर रूल लग गया। इसको यहाँ पे लाजमी ब्रैकेट लगानी है, इसको कहीं इसके साथ नहीं लिख देना, वो एंगल है वो लहदा है। इधर क्या होगा प्लस 1/2, और अब ये था पे गलती नहीं कि डेरिवेटिव जब हमने ले लिया था तो अब डेरिवेटिव उड़ जाना चाहिए ना, जब साइन एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लिया तभी तो 1/2 नीचे उतारी तो आया, तो वो डेरिवेटिव लगा रह गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा नहीं अभी नहीं कॉस एक्स आएगा, अभी तो ये आएगा साइन एक्स की पावर 1/2 -1 वो आ जाएगा -1/2, यहाँ आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। अच्छा जी, अब मैं मुझे खतरा है कि कहीं आप इसको एंगल के साथ ना लगा दें, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 एक्स की पावर कितनी होगी, -1/2 कॉस अंडर रूट एक्स, और वहां क्या हो जाएगा 1/2, और ये साइन नीचे अगर मैं ले जाऊं तो वो साइन एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, -1/2 पावर नीचे ले गया मैं, 1/2 होगी, और ये कॉस एक्स, वैसे इसको भी मैं नीचे ले देता हूँ, ये आ जाएगी 1/2, और ये आ जाएगा 1/x^(1/2), और ऊपर आ जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर अंडर रूट, और वो आ जाएगा साथ ही साथ कॉस एक्स। अब मैं इसको जरा सम अप करने लगा हूं, ये आ जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स ओवर 2 √x, एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स ओवर 2 √sin(x), इसको आप इसी फॉर्म में रहने दें या एलसीएम लेके कर दें, यहां तक छोड़ दें, लेकिन याद रखिएगा ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से कभी कैंसिल नहीं करना, वो एंगल में है और वो एंगल से बाहर है। ठीक है, कोई स्टेप समझ ना आया हो गया क्लियर?